दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएमटी डोंगल के यूएमटी सपोर्ट एक्सेस सेटअप 2.0 के बारे में। दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट आया था कई सब्सक्राइबर का, भाई यूएमटी डोंगल के अंदर में जो सेटअप आता है यूएमटी सपोर्ट एक्सेस 2.0, इस सेटअप का क्या काम है, इसका क्या यूज है, क्या इसका फीचर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस सेटअप के बारे में पहले से ही जानते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, और अगर आप नहीं जानते हैं इस सेटअप के बारे में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सेटअप को डाउनलोड करने के लिए अगर आप गूगल में टाइप करेंगे यूएमटी सपोर्ट एक्सेस 2.0 तो आपको जेएसएम फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, और जेएसएम फॉर्म से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सेटअप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपने यूएमटी डोंगल के सेटअप को इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। जब आप अपने कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपके डेस्कटॉप पर जो है ये आइकॉन आ जाएगा यूएमटी सपोर्ट एक्सेस का। उसके बाद आप इस सेटअप को ओपन करेंगे तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए और आपका यूएमटी डोंगल जो है आपके कंप्यूटर से कनेक्ट रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही ये जो है सेटअप काम करेगा। उसके बाद जब ये सेटअप को आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ड्राइवर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल का ड्राइवर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, LG, CDMA, Motorola, आपको ये सभी ड्राइवर आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। आप ये सभी ड्राइवर आप बारी बारी से जो एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैक करेंगे तो यहाँ पे गो टू बैक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि FRP रीसेट पैकेज यहाँ पे, तो FRP रीसेट फाइल सैमसंग का आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो यहाँ पे जो है QCN फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, रूट पैकेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मान के चलिए अगर आपको सेटअप डाउनलोड करना है यूएमटी डोंगल कोई अगर लेटेस्ट सेटअप आया होगा तो आप यहाँ पे इंस्टॉलर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप इंस्टॉलर पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी यूएमटी डोंगल का सेटअप है, यूएमटी डोंगल से सपोर्ट है, वो सारी की सारी सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप बारी बारी से इस सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी सेटअप पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आपको दिखेगा, आपको इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे ओके कर देंगे तो उसके बाद ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली नहीं होगा, और आप उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन है, तो जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तभी वो जो सेटअप डाउनलोड होगा। अगर जब तक आप स्टार्ट पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो सेटअप डाउनलोड नहीं होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटअप डाउनलोड हो रहा है, तो अगर आप इसे रोकना चाहें तो इसे आप रोक भी सकते हैं। तो अब मुझे अभी ये सेटअप डाउनलोड नहीं करना है, चलिए हम यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करके इसे रोक देते हैं। उसके बाद ऊपर की ओर अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट है, डाउनलोड है, डाउनलोड पर अगर आप क्लिक करेंगे जो फाइल आपका डाउनलोड हो रहा है आप डाउनलोड पर देख सकते हैं कौन फाइल आपका डाउनलोड हो रहा है, और सपोर्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे उसी ऑप्शन में। उसके बाद अब यहाँ पे गो टू बैक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप और भी वापस आ सकते हैं, पीछे आप आ सकते हैं। तो दोस्तों गो बैक पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद वापस हम अपने इसी एरिया में आ जाएंगे। इसी तरह से आप वापस आ सकते हैं, किसी भी फाइल के अंदर में जा सकते हैं, किसी भी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि इसका जो क्या यूज है, कैसे इसे जो है आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।